आज पवित्र महिला दिवस। आज दुनिया में महिला माने पुरुषों ठारु कौन गुण से कम नहांती। शिक्षा स्वास्थ्य हो अबा आकाश में उड़ीबा भली दुसाध्य कार्य सबुथे महिलाटे निज स्थान अख्तियार कर सारे। तेबे आमे आज जो महिला विषय ये कहूँ से बहु प्रतिभार अधिकारिणी तथा परिणत बयस समाज सेवे मग्न। शरीर आउ आग भली साथ देउनी किंतु निज पई नुहे समाज पई आहुरी अनेक करिबार असुमार इच्छा। भाई भौणी को मनीष करिबा ओ समाज सेवे निज को नियोजित करिबा भितरे केते बेले जे से जीवन अपराह पहुंची गले जानी पालेनी। ए होचंती सबलपुर शहर रो डाक्टर नारायणी पंडा। एबे 85 वर्ष रे पाद थापिथिले सुद्धा समाज सेवार एजाए विरति नै नहांती। विभिन्न सामाजिक शिक्षानुष्ठान समेत स्वास्थ्य विभाग विभिन्न कमिटी और रोटारी क्लबर सदस्य भाव एवं काम करज अर्जित स्थावर अस्थावर संपत्ति को जनसेवे लगे। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय को 30 लाख टंका दान करते परे पब्लिक लाइब्रेरी को 15 लाख टंका देते। तेरे एत सब दान से क्या संपर्क जनाते नहीं। प्रकृत में मत डाक्तरी पढ़ा को मो बापा मना कर देते कि मो माँ से सब समस्त को पाठ पढ़ा को सब चाहते। मोर बड़ दी भौणी से मैंने अलरेडी पाठ पढ़ा को दिल्ली पलि जाइले। मो बड़ भौणी बीएससी नर्सिंग पढ़ुले। सान भौणी भी हेल्थ मिनिस्टरशिप जाइले। मुत आईसी पढ़ुली। आईसी पर मोर मेडिकल को जीवा कथा मुझुली किंतु जेहेतु आम मध्यवित्त श्रेणी लोक अलरेडी दुईज पढ़ुं दिल्ली में टंका पैसा हेनी बोली बापा मना कले। तो से कहले तुम्हें गोटे काम कर तुम यू आर ए साइंस स्टूडेंट तुम्हें बीएससी पढ़। बीएससी से संबलपुर थिलानी तो रेवेन्सा कॉलेज रे गोटे सीट बाकी सीट मुझे जॉइन कली। से वर्ष दलई घाई भांगी जाइला तो डेरी रे क्लास आरंभ होला से मत सुविधा है मुझे जॉइन कली। बीएससी पढ़ला बेले किटा पिला मेडिकल बुली जाऊ मुझे सागे टे गली एससीबी मेडिकल कॉलेज को। सीठी मुझे देख ली मोर तो मन भितर थिला कथाटा मेडिकल मुझे पढ़ी था किंतु बापा तो कहीदे बीएससी पढ़ु पर एमएससी पढ़ु लेक्चरेट हम एमती कहीदे कौन करी बाध्य बीएससी पढ़ुली। सेठ मुझे जा देख ली सेठी जदि भल पाठ पढ़व क्लास रे फर्स्ट सेकेंड थर्ड हे तो 35 टका स्कॉलरशिप मिल। आगु मुझे शुणी आमर ट्रस्ट जीएम कॉलेज ट्रस्ट रु टेक्निकल सब्जेक्ट पे 25 टका स्कॉलरशिप मिलूला। मन मन चिंता करी 60 टका है आदि हम माँ को पोषले किमती कि जदि पशिपर बोले गोटे एप्लीकेशन देदेली निजे निजे। मो बापा से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अफिसर थे बापा किसी जान नथिले जे मु एप्लाय करछि बोले। खाली घर को आसी माँ को कहली माँ एंती एप्लाय कर दीची आउ इंटरव्यू को डाकिले किंती करिवा। माँ कहली जीवु इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू देले बोले जदि मु पाई जाए आइले पाठ पढ़ो। से पैसा केमती खर्च हे से मंडल वाइस चांसलर कहले जे जे दान कर डोनेट कर इच्छा हे कारण से ही अनुष्ठान छात्री थे आई प्रकार गोटे अनुदान देवाटा मानते विरल आपे तो आम तर इच्छा को सम्मान जनई पचारे आप प्रकार कम विनिजय करने चाहिए। से कहले जी आपत कम लगात जो थे कि मुझे जमी गोटे गरीबी आसिक एत दूर पहुँची पारि से कलेज मतलब साय कर ट्रस्ट फंड रू पैसा नहीं कि पाँगी मुझे सेमती गरीब पिला जो पिला विशेष किसी सहायता बाहर पाँना केमती लाभ पाए से आम समस्ते डिसाइड कलु आम सिंडिकेट भी डिसाइड कला जे ना रे आम गोटे आईटी स्किल सेंटर करूँ से डिसीजन होगा एवं तार फाइनल भी होगा से डॉक्टर नारायणी पंडा सेंटर फॉर आईटी स्किल्स। डाक्टर नारायण देवी जब पाठ पढ़ुते बड़ एवं मध्यवित्त परिवार जो उच्च शिक्षा पाई बापा अर्थ जोगाई पार नथिले।
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଲେଜରୁ 25 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିପାରି ନଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ କଲେଜ ନିକଟରେ ଋଣୀ ଥିବାରୁ କଲେଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ, ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମ୍ ଦରମାରେ 10,000 କମ୍ ହେବ ବୋଧେ ବାର୍ଷିକ, ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ମେଟରନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଥିଲେ, ଆଉ ପୁରା 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଦାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯଦି କେହି ସାମାନ୍ୟତମ ଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାରାୟଣ ଦେବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ମହାନ ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।